हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनरिचमेंट ऑफ ओर के बारे में पढ़ा था, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है और उसके बाद स्लैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी उसके बारे में पढ़ा था, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज रहता है मेटल्स का हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी में, तो जो सबसे नीचे आते हैं मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, उनको किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के माध्यम से हम लोगों ने उसको समझा था। उसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन को शब्द में लिख देंगे, दैट्स इनफ, है ना, शब्द में लिख देंगे और रिएक्शन को भी शो कर देंगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में फिलहाल इतना ही है। ठीक, तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा हाई हो रिएक्ट मेटल, न बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, बहुत ही मतलब वीक रिएक्टिव ना हो, एक मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला है ना, एवरेज। एवरेज जैसे स्टूडेंट बोला जाता है ना कि एवरेज मार्किंग वाला है, न इसका बहुत अच्छा मार्क्स है न बुरा मार्क्स, तो उसी तरह से कुछ मेटल ऐसे भी हैं रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे जो मिडिल में आते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई भी नहीं होती, बहुत लो भी नहीं होती, तो उनकी रिएक्टिविटी को हम लोग मॉडरेट रिएक्टिविटी बोल सकते हैं, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जिंक, आयरन, टीन, लेड, टीन, लेड, कॉपर, ये जो आते हैं ये सब क्या है, लो रिएक्टिविटी मतलब लो नहीं मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की होती है उसमें ये मिडिल पोर्शन में आते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है उनसे कम होगी और जो बहुत लो रिएक्टिव वाले मेटल हैं उनसे ज़्यादा होगी, तो एवरेज इनकी रिएक्टिविटी होती है, मॉडरेट होती है। ठीक, तो इस तरह के मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे उसके ओर से हम लोग निकालेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, उसको हमको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ें हमको समझनी है, एक पहला टर्म है इसमें कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अभी कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन देना, ना के बराबर ऑक्सीजन देना। ठीक है, हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्प मतलब टेम्परेचर, आप समझ जाइएगा, हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रैक्शन मेटल, ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओर से प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, जिनका रिएक्टिविटी मॉडरेट होता है। अब कैल्सिनेशन होता क्या है, हीट, कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी ओर को अगर वो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला मेटल का ओर है तो उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, बस वो पिघले ना। ठीक है, पिघलने से पहले इतना टेम्परेचर हीट करेंगे कि वो जो उसमें ओर है, ओर में हमारा मेटल पिघल ना जाए, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा, कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी मेटल को हाई टेम्परेचर में गर्म करना, बस उसको मेल्ट ना होने देना, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस के बजाय हम लोग लिख सकते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जा रहा है, ना के बराबर, तो ऑलमोस्ट एब्सेंस भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं बुक में आप एब्सेंस पढ़े होंगे, कहीं कहीं पे आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ दिखेगा, तो आप और करके दोनों लिख सकते हैं। तो किसी भी ओर को हाई टेम्परेचर पे गर्म करना
ऑक्सीजन के एब्सेंस में या बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई देकर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक, दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, रोस्टिंग, RASTING, रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग के बारे में जानना है तो रोस्टिंग का मतलब होता है, इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें भी हीट करते हैं, हीटिंग द कोर एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ भरपूर मात्रा में सफिशियंट सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन ढेर सारी मात्रा में सप्लाई किया जाता है और उस समय किसी और को हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस हो गए जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर से। ठीक है, ओके, चलिए ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रेजेंस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस भी लिख सकते हैं, एक्सेस मतलब अधिक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो जब किसी और को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ढेर सारा ऑक्सीजन का सप्लाई भी हो रहा है और गर्म भी किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जब हीटिंग करते हैं हाई टेम्परेचर पे लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है या नहीं रहता है, तो उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों मेथड हम लोग मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे जिंक, आयरन, स्टेनेट, लेड, कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है, इसकी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कॉपर मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले में भी आता है और लो रिएक्टिविटी वाले में भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन मेटल टाइप का है। बॉर्डर लाइन मेटल ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी दोनों तरफ से मिलती है ना। तो ये कॉपर के नीचे जो है एकदम लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, कॉपर या कॉपर के ऊपर थोड़े से जो हैं वो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं। तो कॉपर भी दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी भी किसी कंडीशन में शो करता है, कहीं पे लो रिएक्टिविटी भी शो करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई है ना। अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है इसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन का, है ना, कैल्सिनेशन को समझते हैं। अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, किसी चीज़ को हीट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, है ना। तो उसको समझने के लिए हमको कुछ रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, तो इसको मिटा देते हैं देन फिर स्टार्ट करते हैं। एक दो मेटल्स जो आपके सिलेबस में दिया है उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जिंक का ओर ले रहे हैं, जिंक सल्फाइड, इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड, इस ओर का नाम होता है जिंक ब्लेंड, जिसको जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं केमिकली। ठीक, अब ये जिंक सल्फाइड है, अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको हीट करेंगे। ठीक है, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ओके, बनेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। ओके, क्लियर है। तो जिंक का हमने एक और लिया, उसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग, है ना। ऑक्सीजन ढेर सारा दिया जा रहा है और हीट भी किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जा रहा है, हमारा जो ओर है वो सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले दो वीडियो में, कि जो सल्फर होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में सल्फर लेस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच सकता है वो क्षमता को हम लोग, उस कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, जो कम शो करता है उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो जो ओर पाए जाते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, यानी ऐसे ओर किसी मेटल के जिसमें सल्फर लगा है, सल्फर के साथ बॉन्ड हुआ है, तो उस सल्फर को रिमूव करके वहाँ ऑक्सीजन लाना, ये हमारा उद्देश्य होता है, हमारा एम होता है, ठीक है। तो यानी रोस्टिंग प्रोसेस से वो हम लोग कर पाते हैं। ये हमारा ओर है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए तो जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया, और साथ में जो सल्फर था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के उड़ गया। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप रिएक्शन को, ठीक है, वो तो बात की बात है, आप अपने से कर लीजिएगा, है ना, एज ए होमवर्क ये करते रहिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी सल्फाइड वाले ओर को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और ऑक्साइड में चेंज जैसे हो जाता है हमारा ओर, बहुत ही ईजिली वो हमारा ओर से मेटल मिल जाता है। ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि सल्फर जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या मतलब है कि सल्फर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कम खींचेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बन गया तो ये जिंक ऑक्साइड में जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप पढ़े होंगे, तो जो एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, उसका वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? रिड्यूस या रिडक्शन रिएक्शन दिखाता है। तो ये ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो बना है, बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, किसी और एलिमेंट से रिएक्शन कराएंगे और हमारा मेटल अलग से सेपरेट हो जाएगा, अलग मिल जाएगा हमको, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सल्फाइड वाले ओर को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, देन उसका रिडक्शन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाले ओर का रिडक्शन करना आसान होता है। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अब ये क्या हमारा ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड। अब इसका ये पहला स्टेप था, ठीक है, हम लोग जिंक मेटल का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं यहाँ पर मॉडरेट रिएक्टिविटी में। दूसरा स्टेप अब हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे, है ना, रिडक्शन। तो रिडक्शन किससे करेंगे? कार्बन से, ठीक है, कार्बन से रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जिंक मेटल सेपरेट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगा। ये कार्बन का मतलब यहाँ पर है कोक, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कोक जो है बहुत सारे मेटलर्जिकल या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में रिडक्शन करने के काम आता है, है ना, किसी भी ऑक्साइड वाले मिनरल को या ओर को रिड्यूस करके उसमें से मेटल सेपरेट करने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कोक हमारा यहाँ पर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूस कर रहा है इसको, और रिड्यूस करने से क्या हो रहा है, हमारा मेटल मिल जा रहा है सेपरेट, और बाकी जो अनवांटेड एलिमेंट या कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक। तो हमारा ये मेटल मिल गया सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा कोक है। कोक जो कि कार्बन का फॉर्म है, इसलिए हम लोग कोक वहाँ पर नहीं लिखेंगे, वहाँ सी लिखेंगे, कार्बन का ही फॉर्म है वो। बट ये याद रखिए कि कार्बन मतलब कोयला यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ कोक यूज करेंगे, जो कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और इस ये चीज़ बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है, और जब भी कोई ऑक्साइड रिड्यूस होता है तो उसमें से मेटल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये सी फॉर कोक है यहाँ पर। तो इस तरह से दो स्टेप में आपने समझ लिया कि कैसे हम लोग किसी भी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रोस्टिंग या कैल्सिनेशन प्रोसेस से। अभी तो हम लोगों ने रोस्टिंग देखा, इसके आगे हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, देखिए हमारा ये ओर था, जिंक सल्फाइड का, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग, ठीक है।
जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया, ये सॉलिड फॉर्म में। अब इसको जिंक ऑक्साइड को कोक से रिएक्शन करा के उसको रिड्यूस करते हैं, तो जिंक हमारा प्योर मेटल अलग हो जाता है और बाकी चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो हमको जिंक मिल गया इस सिंपल से मैकेनिज्म से। अब ये करने के लिए जो पूरा मेथडोलॉजी है, मशीनरी है, इन सब चीज़ों को आपको हायर क्लास में पढ़ना है। अभी तो हम लोग बस सिंपल वे में समझ रहे हैं, जो मशीन लगते हैं, फर्नेस लगते हैं, भट्टी लगती है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ रहती हैं, इसमें ये सारा प्रोसेस किया जाता है, इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हम लोग सिंपल तरीका बस कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं, बाकी जो डिटेल स्टडी है वो हायर क्लास में आप करेंगे कि ये सब जो हो रहा है प्रोसेस, ये किस तरह के अपरेटस में हो रहा है, किस तरह की भट्टी में हो रहा है। भट्टी को क्या बोलते हैं, फर्नेस, है ना। तो ये जो जितने भी एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस होते हैं वो फर्नेस में होते हैं, बड़ी बड़ी भट्टी, कई कई रूम को मिलाकर बड़ी बड़ी भट्टी रहती है, तो उसमें ढेर सारा और इस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो वो अभी हमको नहीं पढ़ना है। अभी हमको बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल हमको मिल गया, अब कोई एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कोई देख लें, ठीक है। चलिए, तो रोस्टिंग का हो गया। अब मान लीजिए हमने जिंक कार्बोनेट, ये भी एक ओर है जिंक का, इसको क्या बोलते हैं, कैलमीन, CALAMINE, कैलमीन बोलते हैं इसको, इस ओर का नाम है, ऐसे केमिकल नाम तो इसका जिंक कार्बोनेट है। तो कैलमीन को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इस ओर में कहीं सल्फर नहीं है, सल्फर नहीं है तो रोस्टिंग प्रोसेस नहीं करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि बहुत ही कम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे इसको, केवल हीट करेंगे, ऑक्सीजन मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो हमको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म रहेगा, ये हमारा गैस फॉर्म में, और ये तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा ही, हमको जो अर्थ से मिलता है एज ए ओर, ठीक। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, जहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी उस ओर में ऑक्सीजन है, हमको उस इस तरह से उसको हीट करना है, बहुत ही कम ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना है कि वो ऑक्साइड बना ले, बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल या एलिमेंट कंपाउंड है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड, जैसे पहले केस में रोस्टिंग होना था, और बाकी जो अनवांटेड मॉलिक्यूल थे वो निकल गए। अब जिंक ऑक्साइड बन गया तो सेम प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे हम लोग, है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस कोक, कार्बन मतलब कोक, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे, यहाँ पे भी हीट होता है। अब जैसे ही हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जिंक मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगा, तो हमारा प्योर जिंक मेटल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों हम लोगों ने समझ लिया, रोस्टिंग प्रोसेस और कैल्सिनेशन प्रोसेस। रोस्टिंग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर जो ओर है उसमें सल्फर हो, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो जिंक मतलब ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल हो इसमें से कोई भी। हम लोग अभी जिंक ले रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही पढ़ना है जिंक वाला, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्साइड में चेंज होगा उसको रिड्यूस कर देंगे, किसकी हेल्प से, कोक की हेल्प से, जो कि कार्बन का एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोक। कोक के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा मेटल मिल जाएगा और अनवांटेड मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब दूसरा एक मान लीजिए ओर है, जो हमारा जिंक है वो तो कई सारे ओर के फॉर्म में होता है जमीन में, मान लीजिए दूसरा ओर हमको मिला जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट को हम लोग रोस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल उसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लॉक कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा अलग, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट होगा तो कैल्सिनेशन, और प्रोडक्ट हमको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमको रोस्टिंग के बाद मिल रहा था। अब आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे इसमें सेम था, जिंक ऑक्साइड को कोक से हीट मिलाकर हीट करेंगे तो हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा और बाकी जो प्रोडक्ट है वो अलग से रिमूव हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, ठीक। तो ये एक तरह से छोटा सा एग्जांपल हो गया हमारा मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का, है ना। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का एग्जांपल हो गया, इसमें मैंने देखे किसी ने बैलेंस ही नहीं किया है, तो बैलेंस ही आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो बैलेंस ही आप लोग खुद से करिए,
ये आपका होमवर्क जैसा ही है, जितना ज़्यादा बैलेंसी करेंगे बहुत आसान है बैलेंसी इसमें, तो रिएक्शन जहाँ लिख रहे हैं वहाँ बैलेंसी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कोर्स में है तो हर रिएक्शन में आपको बैलेंस करने आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन से हम लोग कोई भी इसमें से मेटल हो जो मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज के, हम लोग उस तरह से करके मेटल को प्राप्त कर सकते हैं उसके ओर से। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अच्छा तो कहीं कहीं पे कुछ और भी हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी अभी। लेकिन कुछ और कुछ केसेस में हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कराते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या था कि हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल लो रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा। तो कुछ मेटल्स या कुछ मेटल के ओर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उससे मेटल प्राप्त करते हैं प्योर फॉर्म में, या फिर कुछ मेटल्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारा कोई ओर है उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग मेटल से, तो स्ट्रॉन्ग मेटल क्या करेगा, उस हमारे ओर के सॉल्ट से रिएक्ट कर जाएगा और हमारा प्योर मेटल सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, हमारा प्योर मेटल भी मिल जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहीं कहीं हम लोग करते हैं मिडिल मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेटल यानी रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सब स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाले हैं, तो उनसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, है ना। ओके, तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले, तेज रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, है ना, इस तरह के कई सारे मेटल्स हैं जिनका रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो इनको, इनसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले ओर का, तो उससे क्या होगा, ये मेटल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाले हैं तो ये ओर के अदर कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएंगे और हमारा ओर में से जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला मेटल है वो अलग हट जाएगा और हमको मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, तो ये करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए एक हमारा मैंगनीज, Mn मतलब क्या होता है, कौन सा मेटल, मैंगनीज, इसका नाम मैंगनीज होता है, मैंगनीज होता है, और इसका एक ओर है जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में MnO2, इसका नाम, इसको तो ऐसे बोल सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, केमिकल नेम, और इसका कॉमन नेम है पाइरोल्यूसाइट UA, तो पाइरोल्यूसाइट इसका कॉमन नेम है, ये एक ओर है किसका है, मैंगनीज मेटल का। ठीक है, तो मैंगनीज मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज में वो भी मिडिल में आता है, क्योंकि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ ही मेटल का केवल नाम लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, बाकी को नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसे तो होता है बहुत लंबा वो सीरीज, 100 या 80 मेटल का पूरा सीरीज होता है, तो ये मैंगनीज भी मिडिल में आता है यानी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला है, तो उसका एक और है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको पाइरोल्यूसाइट भी बोलते हैं। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग मेटल से, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे और इससे हमको प्योर मेटल मैंगनीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको रिएक्ट कराते हैं, ये हमारा ओर हो गया मैंगनीज का, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको एल्युमिनियम से रिएक्ट कराने, एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाला है, हायर रिएक्टिविटी सीरीज में हाई पर होता है, तो एल्युमिनियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एल्युमिना और मैंगनीज, मैंगनीज मिलेगा और एलुमिना मिलेगा, Al2O3, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा। देखिए
तो बड़े ही आसानी से कुछ मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम लोग निकाल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन ओर के साथ किसी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल को रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो हाई रिएक्टिविटी वाला क्या होगा, ये जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और मैंगनीज हमारा फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो गया है ना, तो प्योर हमको मेटल भी मिल गया, ठीक है ओके। और ये जो रिएक्शन होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, ये जब रिएक्शन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हीट का इसमें सिंबल किया गया है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अब इसको बैलेंस कर ही लेते हैं, एक एक दो तो कर ही रहना चाहिए। तो एल्युमिनियम यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो लगा देते हैं, ठीक है दो हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, तीन और दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा छः, यानी हमको दोनों साइड ऑक्सीजन छः करना है। इधर तीन है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर दो है तो इधर तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तीन मैंगनीज हो गया तो यहाँ तीन कर देंगे, अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। तीन मैंगनीज, तीन मैंगनीज और तीन बना के छः, छः ऑक्सीजन, तो थ्री का सिक्स, छः ऑक्सीजन। फिर दो एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम का डिस्बैलेंस हो रहा है तो एल्युमिनियम को फोर करना पड़ेगा, टू या फोर हो गया, ठीक है। तो अब हो गया बैलेंस ओके। तो ये एक इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी हीट भी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हमारा एक मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला मिनरल ओर है मैंगनीज का, मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसको हम लोग हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएं। तो हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल क्या करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन से मिलके कंपाउंड बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और हमारा मैंगनीज सेपरेट हो गया, प्योर फॉर्म में मिल गया। तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम लोग परफॉर्म करके प्योर मेटल निकाल सकते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल के केस में, ठीक है। और ऑल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ओके। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद हमको एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले के केस में, और वो टॉपिक भी इसी से संबंधित है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, और एक एग्जांपल दिया गया है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट पे टेस्ट, है ना। अब दूसरा एक देख लेते हैं, दूसरा कोई डिस्प्लेसमेंट पे देख लेते हैं क्या है। तो मान लीजिए ये आयरन, आयरन जो होता है मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला है ना, मिडिल में पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जाता है। तो ये Fe2O3 है, इसको क्या बोलते हैं, हीमेटाइट, हीमेटाइट। ये आयरन का एक ओर है हीमेटाइट, जिसका नाम होता है Fe2O3, ठीक है। अब इसको क्या है, हम लोग एल्युमिनियम से रिएक्ट कराएंगे, एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाला आइटम या मेटल है ना। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर वही कंपाउंड बना लेगा और हमारा आयरन फ्री हो जाएगा, यानी प्योर मेटल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आयरन हमको सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा और हमारा एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक, क्लियर है। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, हमने एक मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला ओर लिया, आयरन का ओर, जिसको हेमेटाइट बोलते हैं, HAEMATITE। इसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाले मेटल से रिएक्ट कराया, जैसे कि एल्युमिनियम, पुराने केस प्रीवियस केस की जैसे ही कराया। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको पता है कि हाई रिएक्टिविटी वाला लो रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लिया और हमारा आयरन फ्री हो गया, यानी हमको प्योर आयरन मिल गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके द्वारा हम लोग मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उसके ओर से, ठीक। और ये जो रिएक्शन ये पार्टिकुलर है, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, THER थर्माइट, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके जो रेलवे ट्रैक वगैरह है, कभी उसका ट्रैक वगैरह टूट जाता है तो
तो इसी रिएक्शन को करके वहाँ पे फिर से आयरन को बनाया जाता है और उसको जोड़ा जाता है, या कोई मशीन का पार्ट्स जोड़ना है लोहे का है अगर वो बना हुआ है कोई मशीन का पार्ट, तो उसमें आयरन कहीं से टूट गया है या ब्रेकेज हो गया, क्रैक हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई आयरन का चीज़ है ये टूट गया है, तो यहाँ पे अब दोनों को जोड़ने के लिए आयरन वाला ही चीज़ चाहिए क्योंकि दोनों पीस आयरन के ही हैं, तो वहाँ पे ये थर्माइट रिएक्शन किया जाता है ताकि आयरन फिर से बन जाए और उसकी मदद से हम लोग जो क्रैक्स वगैरह पड़े हैं मशीन के पार्ट्स में जो आयरन के हैं उनको भर सकें, ठीक है, और हमारा मशीन फिर से सही हो जाए। या रेलवे ट्रैक वगैरह भी इसी मेथड के द्वारा, इसी रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। आयरन यहाँ टू है, यहाँ टू कर देते हैं। एलुमिनियम यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ तीन है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, ठीक है। एलुमिनियम टू टू, आयरन टू, आयरन टू, सब बैलेंस हो गया। तो जब आयरन का ओर यानी हेमेटाइट किसी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल यानी एलुमिनियम से रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्योर आयरन मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद, और हमारा बाकी जो अननेसेसरीली चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे ओर में थी वो अल्मोनियम के साथ बॉन्ड बना लेती है, क्योंकि अल्मोनियम है हाई रिएक्टिविटी वाला, और इस रिएक्शन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, इसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया, ठीक है। हीट एनर्जी तो डिस्प्लेसमेंट में सभी जगह प्रोड्यूस हो ही रही है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और इसको रेलवे ट्रैक वगैरह या मशीन के पार्ट्स टूट जाते हैं जो लोहे के बने हुए हैं, तो वहाँ पर उसको रिपेयर करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तुरंत आयरन बने, और उस आयरन को हम लोग, ये पिघला हुआ आयरन बनेगा उसको तुरंत उस रिपेयर या टूटे हुए पार्ट्स में जोड़ सकने में यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिसमें हम लोग को कुछ तीन चार एग्जाम्पल ही पढ़ने थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, किस मेथड से उनको सेपरेट करते हैं और प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ओके।